and happy Diwali in advance. एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. हम लोग रहते हैं नीदरलैंड में और आज नीदरलैंड में हो रहा है दशहरा फेस्टिवल. सो हम लोग आज जा रहे हैं दशहरा फेस्टिवल देखने. और वहाँ पे मैंने सुना है कि जो वेबसाइट में लिखा हुआ था कि फूड स्टॉल वगैरह भी रहेगा एंड वहाँ पे फायरवर्क्स भी होगा और रावण का भी जो आग लगाते वो भी होगा. सो आई एम वेरी एक्साइटेड वहाँ पे जाने के लिए. सो स्टे ट्यून्ड विद मी और देखते हैं यहाँ का दशहरा फेस्टिवल कैसा होता है. और मैंने पहन लिया है साड़ी जो कि मैंने इंडिया से मंगवाया है. मुझे ये साड़ी काफ़ी पसंद आया. कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, इसको मैनेज करना भी इज वेरी इजी. एंड या मैचिंग झुमका भी ले लिया है. एंड ओके आई हैव टू टेक द बैग एंड ये बैग भी हो गया मैचिंग. नाउ माई लुक इज कम्प्लीट. वैसे मुझे पता नहीं है ये फंक्शन जो फंक्शन होगा सेलिब्रेशन होगा वो अंदर होगा कि आउटडोर में होगा. आउटडोर में होगा तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं रह सकते क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड है. सो अभी देखना पड़ेगा कि कौन सा जैकेट मैं पहन सकती हूँ ताकि मेरी साड़ी के साथ थोड़ा अच्छा लगे. और मैंने फाइनली मुझे एक मैचिंग जैकेट मिल गया. सो मैंने ये वाला पहन लिया और जाने यहाँ पे पहना है पिंक क्योंकि वो मेरे साथ थोड़ा सा मैच करने की कोशिश कर. मेरी साड़ी में थोड़ा थोड़ा पिंक है इसलिए. अभी हम लोग चलते हैं, हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं. प्रोग्राम एक्चुअली में 3 o'clock से 10 o'clock में था बट हम लोग अभी जा रहे हैं 6 o'clock का भी निकले. हम लोग रोटरडम में रहते हैं, हम लोग को पहुंच और जो फंक्शन हो रहा है वो एम्स्टरडम में हो रहा है. हम लोग को पहुंचते पहुंचते कम से कम 1 घंटा तो लगेगा. सो होपफुली कि कुछ और रहे या ना रहे स्टॉल रहना चाहिए. वो हमारे फ्रेंड का कॉल आ गया. और देखो फंक्शन में जाने से पहले क्या शुरू हो गए, इतनी जोर से बारिश हो रही है यहाँ पे. हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, एक साउंड करो. और हमारे फ्रेंड ने फोन करके बताया कि रावण तो ऑलरेडी जल गए और अभी हम लोग पार्किंग करने जा रहे हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है जल रहा है. आई थिंक यहीं पे रावण जला होगा. तो यहाँ पे जो दिख रहा है फायर आई थिंक यहीं पे रावण को जलाए होंगे जो कि मैंने मिस कर दिया. यहीं पे जल रहा है रावण. ऐसे ही रैंडमली पार्किंग कर दिया क्योंकि सब लोगों ने यहीं पे पार्किंग किया हुआ है. पता नहीं कुछ होगा कि नहीं बाद में. फाइनली हम लोग मेन वेन्यू में पहुंच गए और जाने के बाद दिखते हैं कि सभी लोग छाता एंड रेनकोट पहन के खड़े. आज तो कुछ ज्यादा ही बारिश एंजॉय करने वाले सब. मुझे लिटरली भी लगा था फंक्शन अंदर होगा इंडोर होगा पर ये तो बाहर हो रहा है, सिर्फ बारिश हो रहा है. मैं अभी सोच रही हूँ मुझे साड़ी क्यों पहना है. बट यहाँ पे काफी सारे खाने का ऑप्शन है तो शायद हम लोग को कूपन लेना होगा फिर हम लोग खाना वगैरह ले सकते हैं. यहाँ पे दिवाली का सम्मान भी मिल रहा है. सो यहाँ पे कूपन लेना होता है उसके बाद ही हम लोग कुछ खाना ले सकते हैं. सो 5 कूपन का प्राइस है 10 यूरो. और जॉय को मिल गया उसका फेवरेट चाय. आज जितना भी खाना खाया हम लोगों ने उसमें से सबसे बेस्ट लगा ये गरम गरम जलेबी. इट इज़ सो यमी. बारिश में कुछ ही टाइम के लिए बाहर अच्छा लगता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं. और जब बारिश और ठंड दोनों साथ में हो तब तो क्या ही बोले. बट हम लोगों ने फिर भी ट्राई किया कि थोड़ा बहुत एंजॉय करने का. बट अगेन इतना देर तक तो बारिश में रहा नहीं जा सकता. फिर हम लोग सोचे ओके थोड़ा सा गाना सुनते हैं फिर घर निकल जाते क्योंकि हमारे बाकी फ्रेंड्स भी घर चले गए थे.
अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि एक तो बारिश भी हो रही है, मौसम भी बहुत ही बेमान है, प्रोग्राम चल रहा है अभी भी। आई मीन प्रोग्राम अच्छा था बट वेदर ने आज पूरा एकदम फ्लॉप कर दिया। एक तो बारिश, ऊपर से ये ओपन एरिया में हो रहा था तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। रोड पे जाते जाते कितना अच्छा एक स्टैचू मिल रहा है। सो ये दो इंसान का स्टैचू बना है, रियली वेरी नाइस। लोगों ने इल्लीगल पार्किंग किया है, सो ये सब लोग यहाँ पे पार्क कर रहे थे इसलिए हम लोगों ने भी यहाँ पे पार्क कर दिया था। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और रावण अभी भी थोड़ा थोड़ा जल रहा है यहाँ पे। आ गए हम लोग घर पे और मौसम ने आज धोखा दे दिया। अगर बारिश नहीं होता तो शायद तक बहुत ही अच्छा लगता, हम लोग बहुत एंजॉय कर सकते थे। खाने का तो वहाँ पे बहुत ही सारा ऑप्शन था बट वही अगेन बारिश की वजह से मन नहीं कर रहा था घूम घूम के देखे ढूंढे। बट जो भी हो थोड़ा सा हम लोग वहाँ पे रुके थे, अच्छा ही लगा जितने देर भी थे। बारिश नहीं होता तो और बहुत अच्छा लगता। एंड या बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।